नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बेहतर होंगे। ये वीडियो उन सभी एस्पिरेंट के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है जो एसएससी एमटीएस 2024 एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ढेर सारे जो एस्पिरेंट हैं उनके दिमाग में ये डाउट रहता है कि एमटीएस बहुत छोटी पोस्ट है। आज मैं आपको एमटीएस जो आपकी पोस्ट है इसकी मैं पावर आपको बताने वाला हूँ कि एमटीएस एक ऐसी पोस्ट है जो एक रास्ता बनाती है कि आप अगर सीजीएल में बहुत टाइम से प्रयास कर रहे हैं, सीजीएल में आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, सीजीएल जैसे एग्जाम को आप क्रैक नहीं कर पा रहे हैं, तो एमटीएस में सिलेक्शन पाके एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट है उसके बारे में आपको पता चल गया होगा, अभी मैं बताऊँगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है जिसमें अगर आपका सिलेक्शन होता है तो 3 से 4 साल के अंदर आप सीजीएल की पोस्ट पर आ जाओगे। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में इस बार अच्छी खासी वैकेंसी आ रही है। मैं आपको जून 22 इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वैकेंसी बताऊंगा। तो इस बार का जो एमटीएस है वो आपके लिए बहुत खास है क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में अच्छी वैकेंसी है और वन ऑफ द बेस्ट डिपार्टमेंट है। यहाँ पर प्रमोशन काफ़ी फास्ट होते हैं, तो मैं यहाँ पर आपको प्रमोशंस भी बताऊँगा कि आप एमटीएस के बाद क्या बनोगे, उसके बाद क्या बनोगे, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को बनाने का पर्पस सिर्फ और सिर्फ इतना है, जस्ट आपको मोटिवेट करना कि एमटीएस भी कोई छोटी पोस्ट नहीं है। ये एक ऐसी पोस्ट है कि अगर आप मतलब सीजीएल सीएचएसएल एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं कर पा रहे तो एमटीएस में सिलेक्शन लेके आप अपना जो सपना है सीजीएल की जॉब पाने का वो भी 3-4 साल के अंदर पूरा कर सकते हैं, आप सीजीएल की पोस्ट पर आ जाओगे। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं कि हमने आपके लिए कंप्लीट टेस्ट सीरीज जो है लॉन्च की है और यहां पे एमटीएस के एग्ज़ाम को अगर आपको क्वालिफाई करना है तो जीके जीएस और इंग्लिश की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, इसलिए यहां पे इस टेस्ट सीरीज में हम आपको लास्ट 3 ईयर्स के एसएससी सीएचएसएल सीजीएल एमटीएस और सीपीओ के जो इंग्लिश सभी शिफ्ट के इंग्लिश और जीके जीएस के जो क्वेश्चन हैं वो मॉक टेस्ट की फॉर्म में दे रहे हैं। उसके अलावा लास्ट 3 ईयर्स के एमटीएस के जो पेपर हैं वो आपको फुल मॉक की फॉर्म में दे रहे हैं। उसके अलावा 20 अपडेटेड और लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड आपको मॉक टेस्ट दे रहे हैं और इस टेस्ट सीरीज़ का प्राइस केवल और केवल 99 रुपीज़ है। तो आज ही इस टेस्ट सीरीज़ को परचेज करिए। कैसे परचेज कर सकते हैं, एप्लीकेशन पे आप जाके टेस्ट सीरीज को परचेज कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा हमने आपके लिए एक मुहिम स्टार्ट की है ऑल इंडिया लाइव मॉक की, क्योंकि कोई भी आप पे ध्यान नहीं देता, हम स्पेशली आपके लिए ऑल इंडिया लाइव मॉक करा रहे हैं जो कि हर संडे को होता है, तो इस संडे को भी ये मॉक होने वाला है। ये मॉक आप सभी को जरूर देना चाहिए क्योंकि प्रीवियस जो क्वेश्चन है उन पे बेस्ड है, प्लस लेटेस्ट और अपडेटेड जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे। उसके अलावा इनका सोल्यूशन मैं कराऊंगा और इंग्लिश वाले जो सर हैं वो इंग्लिश का सोल्यूशन कराएंगे। हर संडे को होता है, सुबह 8 बजे से स्टार्ट हो जाता है और 24 घंटे के लिए लाइव रहता है। तो इस संडे को भी होगा तो इस संडे को इस लाइव मॉक को आप लोग जरूर अटेम्प्ट करिएगा। एप्लीकेशन पे होगा तो एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो जो डिपार्टमेंट है जिसमें प्रमोशन 3 से 4 साल के अंदर आप सीजीएल की पोस्ट पे आते हो यानी कि एमटीएस के थ्रू आप टीए बनते हो, वो डिपार्टमेंट है आपका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। और इस बार अच्छी बात क्या है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में अच्छी खासी वैकेंसी आने वाली है। ये अनुमान है कि 3000+ वैकेंसी आपकी आ सकती है। अभी आप देख सकते हैं 10 जोन की केवल आपकी वैकेंसी जो यहाँ पे वैकेंट वैकेंसी उसका डाटा हमारे पास आया और यहाँ पे जो वैकेंट वैकेंसी होती हैं मैक्सिमम वैकेंसी आपकी आ सकती है, ठीक है, क्योंकि कोई भी ऐसी पोस्ट नहीं है जो प्रमोट होकर एमटीएस बनती है, यानी कि एमटीएस में जो वैकेंसी वैकेंट होती है वो मोस्टली वैकेंसी आपकी आती है। तो 10 जोन की वैकेंसी जो है 2500 के आसपास पहुंच गई है। अभी ढेर सारे जोन का आरटीआई का रिप्लाई आना बाकी है, तो इस बार आप ये मान के चलो कि 3000+ वैकेंसी होगी। तो इस बार का एमटीएस आपके लिए बहुत खास है क्योंकि सबसे अच्छा डिपार्टमेंट एमटीएस के थ्रू इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है। यहाँ पे प्रमोशन काफ़ी फास्ट होते हैं और इस बार यहाँ पे अच्छी वैकेंसी है। अगर हम चेन्नई की बात करें तो यहाँ पे 446 वैकेंसी वैकेंट है, जयपुर की बात करें तो 234 वैकेंसी वैकेंट है, अहमदाबाद में अगर बात करें तो 480 वैकेंसी वैकेंट है, केरला की बात करें तो 159 वैकेंसी वैकेंट है, भुवनेश्वर की बात करें तो 99 वैकेंसी वैकेंट है, पुणे जोन की बात करें तो 314 वैकेंसी वैकेंट है, पटना की बात करें तो 66 वैकेंसी वैकेंट है, एमपी छत्तीसगढ़ की बात करें तो 130 वैकेंसी वैकेंट है, हैदराबाद की बात करें तो 215 वैकेंसी वैकेंट है, उसके अलावा आपका वेस्ट बंगाल में 303 वैकेंसी वैकेंट है। तो 10 जोन में 2500 वैकेंसी पहुंच चुकी है और 2500 अगर वैकेंसी है यहां पे तो आप ये मान के चलो 2000+ वैकेंसी आपकी आ भी जाएगी। ओवरऑल ये उम्मीद है कि इस बार केवल और केवल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से 3000+ वैकेंसी आ रही है, बाकी ढेर सारे यहाँ पे डिपार्टमेंट होते हैं। उसके अलावा हवलदार की भी अच्छी वैकेंसी आएगी, ओवरऑल 10000 के आसपास वैकेंसी आ सकती है। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में अच्छी वैकेंसी आना आपके लिए अच्छी खबर है क्योंकि जो बच्चे सीजीएल के थ्रू सेलेक्ट नहीं हो पा रहे यहाँ पे एमटीएस में सिलेक्शन लेके वो
ईजिली 3 से 4 साल में जो है वो TA पे जा सकते हैं। अब यहाँ पे प्रमोशन आपका किस तरीके से होगा, MTS में जो है, जब आप MTS एज ए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, अगर आप MTS ज्वाइन करेंगे तो 3 से 4 साल में आप TA बनेंगे, TA के बाद आप सीनियर TA बनेंगे, सीनियर TA के बाद वही TA वाले प्रमोशन आपके स्टार्ट हो जाते हैं, फिर आप इंस्पेक्टर बनेंगे। यानी कि आप 3 से 4 साल के अंदर, अगर आप MTS जो है ज्वाइन करते हैं तो 3 से 4 साल में आप TA की पोस्ट पे आ जाएंगे, जो कि CGL के थ्रू आपको मिलती है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इस बार का MTS बहुत खास होने वाला है। और अभी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जयपुर जोन में जो है, जयपुर रीजन में 3 से 4 साल के अंदर 2015 का जो बैच है वो 2018 में TA पे प्रमोट हो गया है। तो इस बार आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, और इसलिए MTS की जो पोस्ट है उसको आपको बहुत छोटा या बहुत मतलब उस तरीके से नहीं आंकना है। और यहाँ पर ऐसा नहीं कि झाड़ू पोछा आपको करना होता है, आपकी जो मतलब आपके अंदर जो स्किल है उसके हिसाब से आपको काम दे दिया जाता है, क्योंकि आपके ऊपर जो सीनियर होते हैं वो आपको समझते हैं, वो समझते हैं कि पढ़े लिखे लोग यहाँ पर आते हैं और जो आता है वो यहाँ पर नहीं रुकता है। तो इस बार आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, दम लगा के प्रिपरेशन करिए। इस बार अगर सिलेक्शन नहीं ले पाए तो सिलेक्शन लेना मुश्किल हो जाएगा। बाकी टेस्ट सीरीज़ की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, और मुझे लगता है इतने कम प्राइस में आपको कहीं पे भी टेस्ट सीरीज़ मिलेगी। 99 रुपीज़ में हम आपको कंप्लीट टेस्ट सीरीज़ दे रहे हैं, जिसमें लास्ट 3 ईयर्स के SSC CHSL CGL MTS CPO के जो GK GS और इंग्लिश के क्वेश्चन हैं वो मॉक टेस्ट की फॉर्म में सभी शिफ्ट के दे रहे हैं। उसके अलावा लास्ट 3 ईयर्स के MTS के जो पेपर हैं वो फुल मॉक टेस्ट की फॉर्म में दे रहे हैं, प्लस आपको 20 अपडेटेड और लेटेस्ट पैटर्न पे बेस्ड मॉक टेस्ट दे रहे हैं। इतना अगर आप कर लेते हैं तो मैं दावे के साथ कर सकता हूँ आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक पाएगा। उसके अलावा पर्सनल सपोर्ट मिलेगा, किसी क्वेश्चन में अगर कोई दिक्कत आपको आती है तो आप कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। बाकी ये जो मॉक टेस्ट आपके लिए होने वाला ऑल इंडिया लाइव मॉक आपका संडे को, इसको आप लोग जरूर अटेम्प्ट करिएगा। तो उम्मीद करता हूँ सारी जानकारी आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। करना क्या है, इस वीडियो को इधर शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।